दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। जैसा आप जानते हैं, हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक रोज़ नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूं और आप तक सरकार की योजनाएं और जॉब रिलेटेड और जो भी सारी योजनाएं वगैरह होती है सभी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं सारी योजना सारी जॉब की जानकारी सबसे आप पहले आप तक पूरी कंप्लीट वीडियो चाहे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसको आप इंदिरा आवास भी कहते हैं, उसमें आपके पंचायत में किसको मिला, किसका नंबर लगा हुआ है, कितना मिला, कब मिला, कौन सा फ़ोटो दिया था उन्होंने, सारा चीज़ आप इस वीडियो की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो की मदद से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बिहार विधानसभा में अपने MLA जितने भी MLA बिहार में सभी का मोबाइल नंबर, फ़ोटो, पता वगैरह निकाल सकते हैं आप इस वीडियो की मदद से। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कभी मत इंस्टॉल करना ये एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपका खाता खाली हो जाएगा बिना एप्लीकेशन को ओपन किए। सिंपली ओपन करना नहीं, सिंपली जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा वैसे आपका अकाउंट ये खाली कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में विस्तार से आपको बताने की कोशिश की। इसी तरह मैंने आपको बताया फ्री में सी असिस्टेंट कैसे लें, पैन कार्ड कैसे बनाएं, यहाँ बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, आज एक नई जानकारी हम आपको ले लाए हैं जो भी बिहार सरकार की जीविका आप जानते भी होंगे ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, ठीक है। तो इस बिहार में जो जीविका का जो जीविका स्टार्ट किया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया मतलब कि गरीबियों को दूर कर सकें और महिलाओं को रोजगार दे सकें, ठीक है। इसी मकसद से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसकी शुरुआत की थी जिसका नाम है जीविका, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं जीविका में 10-12 सदस्य का एक ग्रुप बनता है, उसके बाद उसमें प्रत्येक वीकली प्रत्येक हफ्ता 10 रुपये जमा होता है, उसमें लोन भी दिया जाता है, सभी तरह के प्रोडक्ट जैसे चीनी वगैरह हो गए सब चीज़ सस्ता में दिया जाता है जीविका की तरफ से, ठीक है। तो ये सब तो ऑफलाइन होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप जान सकते हैं आपके पंचायत में कितने ग्रुप है, किस ग्रुप में कितने मेंबर है, मेंबर का नाम क्या है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा तभी आप समझ पाइएगा, मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं आपको इस ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, यहाँ से भी आप नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, जिस लिंक की मदद से आप यहां पे आ जाएंगे, नहीं तो आप यहां पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट था कि आप जो लिंक देते हैं लिंक देने दे भी दीजिए और उसके बाद बता भी दीजिए बिना लिंक का आप किस तरह गूगल से उस लिंक तक पहुँच सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया, ठीक है। तो ये लिंक है, आप लोगों ने बताया हमें बताया था कमेंट करके, हमको बोला था, हमको सजेशन दिए थे आप लोग ने कि किस तरह गूगल की मदद से हम लोग इस लिंक तक पहुंच सकते हैं बिना डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो किए। गूगल की मदद से आप यहां तक इस लिंक तक कैसे पहुंच सकते हैं, मैं तो आपकी सुविधा के लिए ये लिंक दे दिया हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह बिना लिंक का आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं गूगल की मदद से। तो चलिए, सिंपली से आ जाते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है जीविका का, brlp.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। या आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे जीविका बिहार तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स पर आएंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है MIS रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा तो फिर आप वहीं चले आएंगे जहां मैंने आपको लिंक दिया था, ठीक है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको जानना आपके पंचायत में कितने ग्रुप हैं और किस ग्रुप में कितने मेंबर है, ठीक है। उसके लिए यहां पे पूछ रहा है क्या चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक, ट्रांजेक्शन लेवल, प्रोग्रेसी, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको SSG सर्च रिपोर्ट, ये देखिए SSG सर्च रिपोर्ट, यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप जिला, वो जिला सेलेक्ट कीजिए।
जिला सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है यहाँ अपना प्रखंड ब्लॉक जो वो आपका ब्लॉक वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका जो पंचायत है अपने पंचायत को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है आप किस नाम से खोजना चाहते हैं, CBO नेम से खोजना चाहते हैं या सिलेक्शन आईडी के नाम से खोजना चाहते हैं। अगर आपके पास सिलेक्शन आईडी, सिलेक्टेड आईडी भी नहीं है और CBO नेम भी नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिंपली सर्च SSG रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर है तो दे सकते, नहीं तो छोड़ भी सकते। तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपके आपके पंचायत में जितने भी है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियली नंबर दिया गया, जिला ब्लॉक पंचायत नेम विलेज नेम टोला, ठीक है टोला नेम, उसको SSG ID मतलब ग्रुप का जो आईडी वो भी दिया गया और SSG नेम ग्रुप का नेम क्या है। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेटिंग डेट भी दिया गया। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ये एक ग्रुप है फर्स्ट वाला दीपक, ग्रुप का नाम है दीपक। ठीक है, तब इस ग्रुप जो आपका ग्रुप हो, जैसे आपका ग्रुप इसमें नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना ग्रुप का नाम दे देना है, जो भी आपका ग्रुप का नाम होगा उस ग्रुप का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। इस तरह ग्रुप का नाम देंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये ग्रुप का नाम मैंने सर्च किया तो ये आ गया है। उसके बाद यहां पे एक जो SSC ID दिख रहा है ये वाला देख रहे जो ब्लू कलर में है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, टोला, SSC ID, ग्रुप का नाम, ग्रुप कब ये हुआ तो वो, अकाउंट नंबर, ग्रुप का जो अकाउंट नंबर किस बैंक में है, ठीक है ब्रांच, और लोन अकाउंट नंबर, लोन किस बैंक से हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस ग्रुप में कितने मेंबर है, 12 मेंबर है। ठीक है, ग्रुप में कितने मेंबर है, 12 मेंबर है। तो सभी मेंबर का मेंबर आईडी, मेंबर का नाम और मेंबर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है, और मेंबर का फादर्स नेम अभी नहीं दिया गया है, और कैटेगरी जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो आदमी है, ये जो मेंबर, ये क्या है, ग्रुप के मेंबर है या अध्यक्ष वगैरह हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं आपके ग्रुप, आपके पंचायत में कितने जीविका के ग्रुप चल रहे हैं, किस ग्रुप में कितना आदमी है, कौन कौन है, उसका मेंबर आईडी वगैरह सारा चीज़ आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जैसे कि किस ग्रुप में कितना रुपया आया, किस मेंबर को कितना रुपया मिला, इस टाइप का भी वीडियो मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारे हौसला अफजाई होते रहे, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। कमेंट करके हमें बता दीजिए अगर आप चाहिए वीडियो तो मैं आपको दे दूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।